ना यू मस्ट हैव गॉट अ सिंपल आइडिया कि हम डिजिटल लॉजिक में हमने क्या पढ़ा अब जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गनाइजेशन राइट नाउ आई विल स्टार्ट गोइंग स्लो कुछ ऐसी चीज़ें हैं देट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लासेज में कवर कर चुके हैं सो बट स्टिल आई विल कवर दम अगेन ताकि आप सभी के लिए समझना और आसान रहे इट शुड बी सिम्पल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज टू अंडरस्टैंड बट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट स्लो अब मैं थोड़ा सा स्लो चलूँगा ताकि आप सभी को धीरे धीरे सबको समझ में आए ठीक है रेडी हैं सभी आर यू गैस रेडी सो राइट नाउ अब हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर बिकॉज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स यू कैन स्टडी दिस दिस विल कम इन योर एग्ज़ाम अभी ये आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं फोकस करके अब तक सिर्फ एक रिव्यूज चल रहा था रिविज़न चल रहा था सो नाउ आई कैन फोकस हियर जनरली जब हम कंप्यूटर्स की बात करेंगे तो आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं वी हैव टू काइंड कंप्यूटर्स दो तरह के कंप्यूटर्स आपके पास है द फर्स्ट कंप्यूटर्स द फर्स्ट कैटेगरी इज़ कॉल्ड एज योर जनरल परपज़ कंप्यूटर्स आपका पहला कैटेगरी है यहाँ पर जनरल परपज़ कंप्यूटर्स का एंड सेकेंड कैटेगरी इज़ योर स्पेसीफाइड परसन स्पेसिफिक परपज स्पेसिफिक परपज कंप्यूटर्स राइट सो ये जो स्पेसिफिक परपज कंप्यूटर्स है वी ऑल्सो कॉल्ड दम एज एम्बेडिड सिस्टम हम इसको एम्बेरिड सिस्टम्स भी बोलते हैं ठीक है अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स है यू कैन यूज़ दिस जनरल पर्पस कंप्यूटर्स टू डू एनी टास्क ठीक है मतलब बेसिकली जो आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं दे आर फॉलोइंग स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स है या आपके स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर्स को फॉलो करते हैं ठीक है कहने का मतलब ये है कि यू हैव वन कंप्यूटर एंड यू कैन लोड डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन दिस कंप्यूटर एंड देन दिस कंप्यूटर विल डू डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंग टू वट द प्रोग्राम यू आर इनपुटिंग अब जिस तरह का प्रोग्राम इनपुट करेंगे उसके बेसिस पे जो कंप्यूटर है वो अपने टास्क को परफॉर्म करेगा यानी कि जो भी प्रोग्राम है वो हम एक मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे और दैट प्रोग्राम विल डिसाइड द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर ओके वाई डू वी कॉल टेज अ जनरल पर्पज बिकॉज एक ही कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे अलग अलग टास्क कर सकता है जनरली इट इज इट कैन बी यूज फॉर मैनी डिफरेंट टास्क दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज अ जनरल पर्पज़ कंप्यूटर ठीक है सेकेंड कैटेगरी इज एम्बेडिड सिस्टम अब एम्बेडेड सिस्टम का मेन एम क्या है द मेन एम फॉर एम्बेडेड सिस्टम इज टू डू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ टास्क जैसे इफ यू आर हैविंग अ माइक्रोवेव अवन तो माइक्रोवेव अवन के अंदर भी यू कैन प्रोग्राम इट टू नो यूज़ डिफरेंट मोड्स जैसे आप एक माइक्रोवेवन में सेट कर सकते हैं दैट यू आर कुकिंग केक और यू आर कुकिंग पिज्ज़ा और यू आर कुकिंग समथिंग राइट तो जो माइक्रोवेव ओवन है दैट ऑल्सो इज़ हैविंग सम कंप्यूटर इट इन द सेम वे मोस्ट ऑफ योर वॉशिंग मशीन नाव डेज वी हैव स्मार्ट वॉशिंग मशीन तो स्टार्ट स्मार्ट वॉशिंग मशीन दे यूज़ सेंसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं दे यूज़ सेंसिंग कि आपके जो क्लोथ्स है वो क्लीन हो चुके हैं इफ़ इट इज़ क्लीन तो उसमें सोप की क्वांटिटी कितनी है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ सोप दे कैन डू यू नो दे कैन टेक डिसीजन वेदर द क्लोथ्स आर क्लीन क्लिन और नॉट सो बेसिकली योर वॉशिंग मशीन्स आर ऑल्सो हैविंग सम सिस्टम्स बट अगर आप जो वॉशिंग मशीन का जो सिस्टम है उसका प्रोग्राम को आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दे डू नॉट यूज स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर वहाँ पर जो भी प्रोग्राम है दैट दो प्रोग्राम्स आर एम्बेडेड इन द हार्डवेयर करेक्ट इवन अगर आपके जो एयरक्राफ्ट है जैसे हवाई जहाज है वहाँ पर क्या होता है इन योर एयरक्राफ्ट यू कैनॉट हैव स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर बिकॉज इफ़ यू ब्रिंग अट्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर इन योर एयरक्राफ्ट देन समाइम्स दीज स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर्स टेन टू बी लिटल स्लो तो वहाँ पर जो सिस्टम्स आप यूज करते हैं देट इज एम्बेड सिस्टम्स सो लॉड ऑफ प्लेस लॉड ऑफ प्लेस वेयर मोस्टली इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वी यूज एम्बेड सिस्टम बट जो भी आपके जनरल सिस्टम्स हैं, जनरल कंप्यूटर्स हैं मोस्टली द प्रोग्रामर्स देट बी यूज बी यूज अ जनरल पर्पज़ कंप्यूटर अ स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर ठीक है अब अगर मुझे एक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर सिस्टम को डिज़ाइन करना है लेटाज आई वॉन्ट टू डिज़ाइन द मोस्ट सिंपलेस्ट द मोस्ट सिंपलेस्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर जितना सिंपल हो सके सबसे सिंपल मुझे जनरल पर्पज़ कंप्यूटर डिज़ाइन करना है आई डो नॉट वॉन्ट टू मेक इट एज कॉम्प्ली बिकॉज नाउ अडेज द कंप्यूटर सिस्टम दैट वी हैव दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लीकेड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो मुझे जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल कंप्यूटर को डिज़ाइन करना है सिस्टम को डिज़ाइन करना है तो उस सिस्टम के हमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स की जरूरत होगी तो जो सबसे पहला कॉम्पोनेंट हमें चाहिए इस सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए दैट इज़ योर ए एल यू और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ओके द सेकेंड कॉम्पोनेंट दैट वी नीड इज मेमोरी हमारे पास जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है वो यहाँ पर मेमोरी हमें चाहिए ओके एंड वट काइंड ऑफ मेमोरी दिस इज अ मेमोरी वेयर यू कैन स्टोर द प्रोग्राम सो एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी मेमोरी मैं यहाँ पर हार्ड डिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट वैन द कंप्यूटर इज रनिंग एंड वेयर कैन यू स्टोर द प्रोग्राम सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन मेमोरी तो यहाँ पर मैं मेन मेमोरी की बात कर रहा हूँ बट द प्रॉब्लम इज दिस मेन मेमोरी इज टेंड टू बी वेरी स्लो एज कंपेयर टू योर सी पी यू और यू कैन से एल यू आपके एल के कम्पेरेटिवली ये जो मेमरी है ये बहुत ज़्यादा स्लो होती है दैट इज़ वाई वी नीड सम रजिस्टर्स हमें कुछ रजिस्टर्स की यहाँ पर ज़रूरत होती है ओके okay? तो रजिस्टर्स में आपके बहुत सारे अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स हैं दैट वी कैन यूज़ इन अ कंप्यूटर फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव एन एक्ूमलेटर आपके पास एक एक्ूमलेटर एक रजिस्टर है देन यू हैव सम फ्लैग्स आपके पास कुछ फ्लैग्स हो सकते हैं देन यू हैव सम अगेन जनरल परपज रजिस्टर्स आपके पास कुछ जनरल परपज रजिस्टर्स हैं दैट कैन बी यूज फॉर एनी परपज़ ठीक है यू हैव जनरल परपज रजिस्टर्स ठीक है एंड यू नो लॉट ऑफ थिंग्स आर देर इवन यू हैव प्रोग्राम काउंटर इज अ रजिस्टर इवन प्रोग्राम स्टेटस वर्ड इज़ अ रजिस्टर तो ये जो सभी हैं दीज आर प्रजेंटिंग सम रजिस्टर्स और रजिस्टर्स कैसे बने हैं दीज रजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स उन फ्लॉप को हमने स्पेसिफिक वे में कनेक्ट किया है एम नाउ बिकॉज इफ़ वी हैव अ कंप्यूटर विच इज अ सिक्सटी फोर के इंटू सिक्सटीन कंप्यूटर तो यानी कि यहाँ पर जो रजिस्टर का साइज़ है द साइज ऑफ रजिस्टर विल बी सिक्सटीन बिट हम लोग वहाँ पर सिक्सटीन बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे ओके देन द फोर्थ थिंग दैट वी नीड हियर इज़ योर टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल हमें चार चौथी चीज चाहिए यहाँ पर टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स एंड वाई डू वी नीड दिस टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल सिग्नल ताकि हम इन तीनों चीजों को एक दूसरे के साथ कर सकें दैट वी कैन एलरी एंड रजिस्टर्स तो आप यहाँ पर एल्यू मेरी और रजिस्टर्स इन सभी को एक दूसरे सिंकनाइज़ कर सिंकनाइज दैट इज वाई वी नीड टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल आई होप दट यू मस्ट है अब हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे इन दिस से पहले हम हाउ केन यू डिजाइन एन एल इस अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है सेकेंडली हाउ दिस मेमोरी इज़ डिज़ाइंड किस तरीके से इस मेमोरी को डिज़ाइन किया जा सकता है थर्ड कौन कौन से रजिस्टर्स हमें कंप्यूटर सिस्टम के लिए चाहिए एंड हाउ कैन वी ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए वी आर गोइंग टू लुक एट द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम बस हम लोग यहाँ पर सिस्टम बस के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे

तो बेसिकली हम लोग ये चेक करेंगे जो आपकी सिस्टम बस है दिस सिस्टम बस कंटेन्स बोथ डेटा बस एंड एड्रेस बस एक ही सिस्टम बस डेटा बस और एड्रेस बस दोनों के लिए यूज़ हो सकती है देन हाउ कैन आई डिज़ाइन दिस सिस्टम बस वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे ओके okay? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपके पास ए एल यू दैट इज़ अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ए एल यू को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है देखो एल यू का फंक्शन क्या है इफ़ दिस इज एन ए एल यू तो एल यू का फंक्शन ये है इट वॉन्ट वी कैन परफॉर्म अर्थमैटिक ऑपरेशन बेस्ड ऑन दिस तो हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा वट इज़ अ काइंड ऑफ ऑपरेशन ठीक है तो किस तरह का ऑपरेशन है सो सो दैट विल बी कॉल्ड एज योर कंट्रोल सिग्नल दैट दिस कंट्रोल सिग्नल वट इज़ अ काइंड ऑफ ऑपरेशन यू वॉन्ट टू परफॉर्म एंड देन इट इट विल टेक द ऑपरेंट्स ऑन विच यू हैव टू परफॉर्म ऑपरेशन जैसे वी हैव ऑपरेंट ए वी हैव एन ऑपरेंट बी दिस एल यू विल परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दैम और जो इसका रिजल्ट है दैट विल बी स्टोर्ड इन समथिंग कॉल एज एन एक्ूमलेटर एंड दिस एक्यूमलेटर विल बी जनरल रजिस्टर बट एनी वेज लेटस सी कि एल यू कैसे बनाए जा सकते हैं सो अब क्या क्या ऑपरेशन हमें एल्यू के साथ परफॉर्म करने हैं वी कैन परफॉर्म इन एडिशन ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म अ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म अ डिविजन ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म अ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन राइट अगर गिवन फ्रीडम गिवन फ्रीडम टू डिज़ाइन एनी सिस्टम विच कैन बी वेरी वेरी फास्ट आई कैन यूज डिफरेंट सर्किट फॉर ऑल ऑफ दिज ऑपरेशन जैसे आई कैन यूज़ अ सर्किट फॉर एडर मैं यहाँ पर एक एडर का यूज़ कर सकता हूँ आई कैन यूज़ अ सर्किट फॉर सब्ट्रैक्टर आई कैन यूज़ अ सर्किट फॉर मल्टीप्लायर राइट आई कैन यूज़ अ सर्किट फॉर कंपेरिजन कंपेरिटर एंड सो ऑन तो हम लोग हर सर्किट को यूज़ कर सकते हैं एंड हियर वी कैन यूज़ अ डिकोडर हम यहाँ पर एक डिकोडर का यूज़ करेंगे एंड अब डिकोडर का मतलब क्या है वट इज़ द यूज ऑफ दिस डिकोडर तो ये जो डिकोडर है दिस डिकोडर विल टेक सम कंट्रोल सिग्नल्स जैसे इट कैन टेक थ्री कंट्रोल सिग्नल्स यहाँ पर एक कंट्रोल सिग्नल ये ले सकता है एंड बेस्ड ऑन दिस कंट्रोल सिग्नल्स वी कैन आइडेंटिफाई कि हमें कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म करना है ठीक है सो द आउटपुट ऑफ दिस डिकोडर विल बी गिवन एज अ इनपुट टू दीज और ये इनपुट क्या लेगा आई मीन इट विल मेक एन एनेबल लाइन वो इन सब की एनेबल इनपुट को एक्टिवेट करेगा दिस इजरीबल इनपुट यू हैव जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव इनपुट एंड यू हैव इनपुट बी एंड दीज इनपुट ए एंड इनपुट बी कैन बी गिवन टू इच ऑफ दी सर्किट्स इंडिविजुअली सभी को इनपुट ए और बी यहां पर गिवन किए जा सकते हैं ओके okay? क्लियर अब हेयर वट वी कैन डू आई कैन टेक दिस आउटपुट हीयर मे बी आई कैन परफॉर्म इन आर गेट और वडेवर आई वॉन्ट तो कुछ ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकता हूँ ठीक है सो वट इज़ द यूज ऑफ दिस कि अगर मैंने लेट्स एज्यूम आई एम गिविंग दिस कंट्रोल सिग्नल एज ज़ीरो जीरो ज़ीरो अगर जीरो 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 मैंने कंट्रोल सिग्नल दिया इस डिकोडर के अंदर सो दिस डोडर विल एक्टिवेट दिस एडर एंड दिस एडर विल टेक दिस टू बिट्स और वटेवर दिस टू नंबर्स एंड देन दिस एडर विल प्रोड्यूस द आउटपुट हेयर तो जो एडर है वो यहाँ पर आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा ओके एंड द मिडल डेटा जो भी यहाँ पर कैरी जनरेट हो रहा है सो कैरी एंड ऑल दिस कैन बी स्टोर्ड इन सम काइंड ऑफ फ्लैग्स उसको हम फ्लैग के अंदर स्टोर कर सकते हैं ठीक है तो बेसिकली क्या है कि सबसे ईजिएस्ट डिज़ाइन ये है द ईजिएस्ट वे यू कैन डिजाइन एन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज़ टू यूज़ द वेरियस सर्किट दैट वी ऑलरेडी हैव यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी जो आई सी प्रेजेंट है हमारे पास एक डिकोडर की आई सी प्रेजेंट है हमारे पास एक एडर की आई सी प्रेजेंट है हमारे पास एक सब्ट्रैक्टर की आई सी प्रेजेंट है मल्टीप्लायर की आई सी प्रजेंट है कंपैटर की आई सी प्रजेंट है जो ऑलरेडी हमारे पास आई सीज़ प्रेजेंट है उन सभी आई सीज को कंबाइन करके ईजीली आई कैन क्रिएट एन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ए एल यू विच कैन परफॉर्म ऑल ऑफ these operations फाइन बट अगेन मेकिंग दिस विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर us wo सबसे tough है तो मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर हम सिर्फ एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमारे पास सिर्फ एक एडर सर्किट है तो एडर सर्किट से हम सभी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं वी कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन जस्ट बाई यूजिंग एन एडर सर्किट ये मैं आपको पहले काफ़ी बार बता चुका हूँ बिकॉज एडिशन ऑपरेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन दैट यू कैन हैव ठीक है

आई मीन यू कैन मिनिमाइज़ द सर्किट साइज़ ठीक है तो यहाँ पर दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द एडर लॉजिकल यूनिट तो यहाँ पर ये यह सिर्फ uh, दो नंबर्स को लेकर इट विल परफॉर्म एडिशन ठीक है तो यहाँ पर डी आर इज़ रिप्रेजेंटिंग सम डेटा रजिस्टर ठीक है एंड हेयर ए सी इज़ रिप्रेजेंटिंग योर एक्यूमुलेटर ठीक है तो यहाँ पर बेसिकली इट इज़ रिप्रेजेंटिंग सम एडिशन एंड दिस इज़ आई एन पी आर रिप्रेजेंटिंग सम इनपुट रजिस्टर आई एन पी आर जो है वो इनपुट रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस एफ एज रिप्रजेंटिंग यूर फुल एडर या आपका फुल एडर को रिप्रेजेंट करा इट इज रिप्रेजेंटिंग अ फुल एडर एनी वेज द कंप्लीट डिटेल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट नहीं है ऑल यू नीट टू नो इज़ जस्ट बाई यूजिंग द बेसिक कॉम्पोनेट्स जैसे आपके पास एक फुल एडर प्रेजेंट है राइट यू हैव अ डेटा रजिस्टर डेटा रजिस्टर कैसे बनेगा डिजस्टर रजिस्टर जो कॉम्बिनेशन ऑन फ्लिपलॉप है इवन बाई यूजिंग अ जे के फ्लिपलॉप सो यू कैन क्रिएट इन एडल लॉजिक और इस लॉजिक से आप सभी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं यू कैन परफॉर्म एन एडिशन यू कैन परफॉर्म ए सब्ट्रैक्शन यू कैन परफॉर्म कम्पैरिजन वट एवर ऑपरेशन यू हैव यू कैन परफॉर्म ऑल ऑफ दिस ऑपरेशन जस्ट बाई यूजिंग दिस एडिशन ऑपरेशन ठीक है तो आप एडर लॉजिक को यहाँ से बना सकते हैं वेरी इजी बट एनी वेज इन योर कंप्यूटर जनरली दिस इज द काइंड ऑफ सर्किट्स देट यू हैव एंड यू प्रोसेसर डायग्राम्स आर वेरी डिफिकल्ट आपके जो प्रोसेसर्स होते हैं दे आर लिटल कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड बहुत कॉम्प्लीकेट है समझना एंड आई बिलीव सभी के लिए आप सभी के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ठीक है सो दैट इज बाई आईव नॉट एक्सप्लेन दिस टॉपिक ऑब्वियसली इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया नहीं है बट एनी वेज ओनली थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर हम अपना कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर ए एल यू डिज़ाइन करेंगे एंड आवर एल यू विल भी एडर एंड लॉजिक सर्किट हमारा जो एल्यू है वो सिर्फ एडर और लॉजिक सर्किट होगा बिकॉज वी आर ओनली गोइंग टू परफॉर्म एडिशन दैट्स इट इतना ही समझना काफ़ी है दैट्स मोर देन अफ फॉर एस राइट नाउ